हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 9 एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2 की प्रैक्टिस करेंगे। जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इन दिस फिगर इफ ए बी पैरेलल टू सी डी एंड सी डी पैरेलल टू ई एफ एंड वाई रेशो जेड इज इक्वल टू 3:7 फाइंड एक्स। एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो हम सबसे पहले हम क्या गिवन लिखते हैं। गिवन क्या है हमारा, ए बी पैरेलल है सी डी के एंड सी डी पैरेलल है ई एफ के, और वाई रेशो जेड इज इक्वल टू 3:7। और हमें फाइंड क्या करना है, टू फाइंड एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। और प्रूफ क्या करना है, अब प्रूफ करते हैं। यहां तक करने के बाद हम ये सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सिंस ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल है सी डी के और इसको हम एम मान लेते हैं, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन ये एम हो गया हमारा, लेट कर लिया। एंड एम इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, ओके। जब ए बी पैरेलल है, ए बी पैरेलल है सी डी के, तो हम क्या हो सकते हैं, हमारा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180। क्यों है, क्योंकि ये हमारा क्या है, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल है, कॉन्जिक्यूटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटरनल एंगल है। और कॉन्जिक्यूटिव इंटरनल एंगल होता क्या है वो अभी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये हमारा दो पैरेलल लाइन है और ये हमारा ट्रांसवर्सल लाइन है, जब ये एंगल एक ही साइड पे जब दो एंगल बनते हैं वो हमारा क्या होते हैं, कॉन्जिक्यूटिव इंटरनल एंगल। जब दोनों अंदर की साइड जब एक ही जगह पे जब दो एंगल बनते हैं तो वो हमारे कॉन्जिक्यूटिव इंटरनल एंगल होते हैं और उनका सम हमेशा 180 होता है, ओके। तो x प्लस वाई हमारा क्या है, 180 है। सिंस इसी तरह हम क्या कह सकते हैं, ए बी भी पैरेलल किसके है, ई एफ के, एंड एम इज ट्रांसवर्सल लाइन, और एम ट्रांसवर्सल लाइन है, और हम देखेंगे एक्स जो है इक्वल है जेड के। क्यों क्यों है, क्योंकि अल्टरनेट एंगल बना रहे हैं। यहाँ पे हम सी डी, अब आप यहाँ पे भूल जाओ सी डी क्या है, एक्स की जो वैल्यू है वो भूल जाओ, अल्टरनेट एंगल क्या होता है, जो जेड के शेप में हो, ये इक्वल टू ये हमारे क्या होते हैं, अल्टरनेट एंगल। तो ये हमारा एक्स है और ये हमारा जेड है, ओके। तो ए बी पैरेलल है ई एफ के एंड एम इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, तो हम ये कह सकते हैं कि एक्स इक्वल टू जेड अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल, ओके, अल्टरनेट एक्स इक्वल टू जेड, एक्स की जो वैल्यू आएगी वो जेड के बराबर होगी। क्यों, क्योंकि दोनों अल्टरनेट एंगल हैं। यहां पे हम वाई भूल जाते हैं, वाई आप मानो ही ना कुछ हो, एक्स इज इक्वल टू जेड, क्यों, क्योंकि अल्टरनेट एंगल, ओके। अब हम लेट करते हैं, लेट हमारी वैल्यू क्या थी, वाई, लेट वाई इक्वल टू 3a एंड जेड इक्वल टू 7a। जब y इक्वल टू 3 है, a है, तो हमारा x भी तो वही होगा, x क्या होगा, इक्वल होगा 3a के। क्यों, क्योंकि x इक्वल टू y, सॉरी x इक्वल टू z, y के इक्वल नहीं, z के इक्वल है, ओके। ये मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। अब ये वैल्यू हम, ये हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, x क्या है हमारा 3a प्लस y क्या है, सॉरी यहाँ पे जो x है वो 3a के इक्वल नहीं है, 7a के इक्वल है, ओके, क्योंकि z क्या हमारा 7a है, इसलिए x भी हमारा 7a है, क्योंकि x इक्वल टू z होता है, मिस्टेक के कारण यहाँ पे 3a हो गया था, ओके।
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x का हमारा क्या है 7a, हम लिख सकते हैं क्या फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से क्या आएगा, x की वैल्यू क्या है 7a प्लस में y की वैल्यू क्या है 3a इक्वल टू 180, तो ये हमारा 10a इक्वल टू 180, तो a हमारा क्या हो जाएगा 18 आ जाएगा। तो हम a जब वैल्यू 18 आ गया तो हम y निकाल सकते हैं, y इक्वल टू क्या होगा 3 मल्टीप्लाई बाई 18 इज इक्वल टू 54, ओके। और इसी तरह हमारा z क्या आएगा, z क्या है 7 मल्टीप्लाई बाई 18, 18 7 जा या 7 को 18 से इंटू करते हैं तो क्या आता है हमारा 126, ओके। जब z हमारा 126 है तो x भी तो हमारा 126 होगा, ओके, क्योंकि क्या क्यों होगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू z, ओके। तो हमारा जो हमारी जो x की वैल्यू आएगी वो 126 आएगी, और हमें x की वैल्यू ही फाइंड करनी थी। इस तरह आज हमने एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2 की प्रैक्टिस की। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, और आप मेरा वीडियो अगर पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को शेयर करें। और वीडियो से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।